हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आज मैं उठ चुका हूँ भाई। हाँ, उठ के मैं रेडी हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ भाई। मेरा पहला वीडियो है ये। जी हाँ भाई, आप लोगों को गुड मॉर्निंग बोलना है और गुड मॉर्निंग बोलने के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ, बिल्कुल मस्त। और आज आपको एक बात बता दूं, पहली वीडियो में बहुत ही खास मेहमान आने वाले हैं। जी हाँ जी, आप मिलेंगे, आपकी आंखें फटी फटी रह जाएंगी कि मेरे घर पर आ रहे हैं कॉफी पीने। जी हाँ, और आप उन्हें जानते हैं, तो सोचिए, गेस कीजिए कौन होंगे वो भाई। इंतजार, मैं जाता हूँ गेट के पास। आने वाले दो तीन कॉल कर चुका हूँ। बड़े है ना, बड़े तो बड़े लोग ऐसे ही करते हैं, तीन चार कॉल नहीं उठाते, 10-20 कॉल करो तो भी नहीं उठाते, मैसेज पे बात करते हैं। तो चलते मिलते हैं उनसे, है ना। तो भाई गेस करके कमेंट में जरूर बताओ कि कौन आने वाले, मैं किससे मिलवाने वाला हूँ। यूट्यूब पे नंबर 1 है, फेमस है, बहुत फेमस है। तो चलिए कॉफी की शुरुआत आप सब भी ले लीजिए, चाय कॉफी जो भी खाना पीना है। मैंने तो अपनी कॉफी तैयार कर ली है, उनके साथ पी ली। तो चलिए शुरू करते हैं मेरा पहला वीडियो। आप लोगों का प्यार जरूर मिलना चाहिए, मिलवाता हूँ अपने मेहमान से। तो चलिए स्वागत करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, हमारे मेहमान गेट पर आ चुके हैं, तो इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है और मेरी भी घड़ी चालू है। तो शुरू करते हैं। वेलकम मैं बहुत अच्छा हूँ। कैसा लगा आज आप मेरे घर पर आए हैं? बस जैसे कि आपने वादा किया था कि हम दोनों साथ में कॉफी पीने वाले हैं, सो मैं पहुंच गया। कॉफी पियेंगे, मस्ती करेंगे, बातें करेंगे। मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे बिल्कुल, तो आप रुकेंगे तभी तो मैं अंदर बुलाऊंगा। तो वेलकम वेलकम, कैसे हैं भाई जान आप? मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ, और ऐसा देख के लग रहा है कि आप भी बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। सो आज अच्छा, ये जो वीडियो बना रहे हो, मैं आपके जो पब्लिक है, जो आपके सब्सक्राइबर है, उन लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ। गाइस, आप लोग जैसे सोहित भाई के बारे में जानते ही हो, जो सोशल लाइफ है उनकी, उसके बारे में तो आप लोग जानते हो, लेकिन आज मैं आप लोगों को सोहित भाई की पर्सनल लाइफ के बारे में बताऊंगा। सोहित भाई कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को नहीं पता है, बट मैं उसे रिवील करूंगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, आप लोगों को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त, मेहमान बिल्कुल तैयार हैं, कॉफी तैयार है, ब्राउन ब्रेड। हम लोग सेहत का बहुत ध्यान रखते हैं, तो सेहत के ध्यान रखने के लिए हमने बादाम और मुनक्का साथ में रखा है। ये अपने मेहमान के लिए एक छोटा सा मीठा सा फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट छोटा सा गिफ्ट, प्यारा सा गिफ्ट, साथ में मल्टी ग्रेन ब्राउन ब्रेड कॉफी। मैं कॉफी का दीवाना नहीं हूं, तो मेरी अपनी प्यारी सी चाय, और साथ में बहुत ही बेहतरीन एनर्जी के लिए मेहमान के लिए आइए मेरे भाई, आइए गुप्पू द राइटर के खास कास्ट वीडियो में। ओके, सो सबसे पहले थैंक यू सो मच सोहित, आपने मुझे इनवाइट किया कॉफी के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और साथ साथ में हम अपने लिए एक अच्छा सा एक वीडियो बना रहे हैं, जो कि यूट्यूब के लिए बना रहे हैं, एंड आई होप कि हम आगे चल के और अच्छे से और अच्छा काम करें। गुड मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग का वक्त हो रहा है ना, तो हम लोग उठ के रेडी है बिल्कुल कॉफी के लिए, और हम इस पे पीनट बटर भी लगाएंगे। तो मतलब बटरिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं, बट आप लोग चैनल को जरूर प्यार और मोहब्बत दीजिए। ये भाई बोलेंगे तो जल्दी आप सुनेंगे क्या? आप बोल दीजिए गाइस, ये वीडियो को लाइक तो जरूर बनता है, क्योंकि यार गुफ्फू तो राइडर है। ओके, इस वीडियो को जितना हो सकता है लाइक करना, एंड हो सके मेरा फर्स्ट वीडियो यार शेयर तो जरूर ही कर देना प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट करो प्लीज। ठीक है, ये वीडियो को जितना हो सकता है कॉफी कॉफी बेल्जियन कॉफी, और चीयर्स चीयर्स, आप लोग भी कॉफी पियो, इतनी सारी कॉफी, ओ माय गॉड। ठीक है, इतनी कॉफी है कि इसमें आप पूरे दिन अपनी एनर्जी बरकरार रख सकते हैं। आप सोहित के घर पर आए हैं, सोहित सोनी के घर पर आए हैं। ओके, तो इसलिए इतना ज्यादा, ठीक है, वैसे तो मैं कॉफी इतना भी नहीं पीता, बट ठीक है चलो थोड़ा सा हम टेस्ट तो कर ही सकते हैं। और वैसे तो मुझे जहां तक पता है कि सोहित भाई कॉफी बहुत ही अच्छी बनाते हैं, तो मैं टेस्ट करके रिव्यू देता हूं मेरा। ओके, ठीक है, रुको एक बार, तो सिप और ओके गुड, बहुत ही अच्छी कॉफी है, मतलब जैसा मेरी मम्मी बनाती है वैसा तो नहीं है, बट फिर भी बहुत ही अच्छी कॉफी है। ओके, बाकी चलो कॉफी तो पिएंगे हम, उसके पहले सोहित भाई चलो आपके रिलेटेड ना कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ। बिल्कुल, 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 जो लाइक आपके ऑडियंस को नहीं पता है। पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि आप इतने स्मार्ट हो, ठीक है, दिखने में भी इतने अच्छे हो, इतनी अच्छी एक्ट करते हो आप,
जैसे कि तेनालीरामा में बहुत सारे लोगों ने देखा रहेगा भाई को, सो कैसे इन्होंने एक्ट किया, बहुत ही अच्छा रोल है इनका। तो भाई मुझे ये बताओ कि आपकी कितनी गर्लफ्रेंड है? आप सीधा गर्लफ्रेंड पे आ गए हैं? हाँ, तो इसीलिए तो गुफ्फूदा राइडर इनका नाम है, ये वहाँ पहुंच जाते हैं। जो ना लाइक आपके जो गर्ल्स जो लाइक फीमेल फैन है उनको जानना है कि आपकी गर्लफ्रेंड कौन है। मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो मेरा काम है, मेरा एक्ट है, जिसे मैं प्रेम प्यार या कुछ भी कह सकते हैं लव करता हूँ, बहुत दिल से लव करता हूँ। बोले इनका मेरा साथ कभी नहीं छूट सकता, जिस तरह से मैंने पीनट बटर और ब्रेड का साथ आपस में लगा दिया, इसी तरीके से मेरा और एक्ट और आप लोगों को एंटरटेन करने वाला जो एक रिश्ता है वो हमेशा बरकरार रहेगा, बना रहेगा। और रही बात स्मार्ट की, तो मैं दिल से स्मार्ट हूँ, और जैसे इन्होंने भाई ने बताया कि मैं बहुत स्मार्ट दिख रहा हूँ, तो आप भी जानते हैं कि मैं कितना स्मार्ट हूँ, मैं दिल से बहुत स्मार्ट और सुंदर हूँ। तो सबसे पहले ये मेरे हाथों से पीनट बटर के साथ लगा हुआ ब्रेड, ये सुबह से ये बहुत घूम रहे थे कल और आज तो मतलब रात को घूम रहा था। अच्छा, सुबह में रहे यहाँ पे, क्या फंबल तो होता है ना, हम लोग एक्टर हैं, जब तक फंबल नहीं तब तक एक्टर नहीं, क्या बात, सही बोला कि नहीं बोला? तो पीनट बटर बहुत ही अच्छा है, सोहित भाई बहुत ही ज्यादा हेल्थ केयर है, बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते हैं अपनी हेल्थ को लेके, व्हिच इज गुड। तो मैं तो चाय का दीवाना हूं, तो मैं तो चाय ही पीता हूं, बट मेरे हाथ की कॉफी तो कम अच्छी होगी, लेकिन चाय बहुत अच्छी, बहुत कम लोगों को चांस मिलता। हाँ, मेरे घर बहुत कम और चुनिंदा लोग ही आते हैं, जिसमें से आज हमारे भाई हैं, तो ये बड़ी बात है। और जैसा ही मैंने पूछा गर्लफ्रेंड के बारे में, तो देखो गर्लफ्रेंड तो हर किसी के पास होती है, जाहिर सी बात है इन भाई के पास लाइन लगी पड़ी, ओह माय गॉड, खूब गर्लफ्रेंड से भरा हुआ, बोरा भरा हुआ है इनके पास, और ये बताते नहीं है, हम लोग तो सिंपल सोबर लोग है भाई, अगर है तो एक आध होंगी या एक ही हो सकता है, कई सारे सिंपल, सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो नहीं, वैसे तो मैंने बता के रखा मेरी कितनी गर्लफ्रेंड है, वैसे मेरे वीडियो में पता चलते रहता है कि मेरी 6 गर्लफ्रेंड है, मेरी 12 गर्लफ्रेंड है। ओह माय गॉड, ये गर्लफ्रेंड है या जूते जुराब या कपड़े या कोई सामान है? वो हर हफ्ते चेंज करना होता ना, हर दिन के हिसाब से। जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा हूं, दिल पे मत लेना, फेफड़े पे लेना। ये बहुत अच्छा था, फेफड़ों पे लेना, दिल पे ये ले रहे हैं 6 लोगों को, ठीक है। ओके चलो ठीक है, अभी बहुत मस्ती हो गई, अब इसी तरह एक सीरियस क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। जो इंडस्ट्री में लाइक न्यू बच्चे आ रहे हैं, लाइक जिनको एक्टिंग करना है, तो वो लोग कैसे आ सकते हैं, लाइक आपने कैसे अपनी करियर का लाइक शुरुआत कैसे किया था आपने? कैसे आ सकते हैं, तो ट्रेन से, फ्लाइट से, बस से या गाड़ी से, पैदल तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओके हाँ, बट मैं इसको सीरियस रूप से सीरियस उसमें जोन में पूछा है। देखो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि हमें जिसे करना है प्रेम, जैसे हम जिस लड़की को प्रेम दिल से करते हैं ना, शिद्दत से करते हैं, बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, हम उसको कोशिश करके आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे इसमें भी हमें अपने एम को पूरा करने के लिए, अपने पैशन को, इसको अपनाया है जो हमने, इसको हम दिल और शिद्दत से करते रहें, उस काम में जुटे रहें, चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, मुसीबतों आने के जब मुसीबतें आती हैं तो हम उसके काफी आगे हो जाते हैं, क्योंकि मुसीबत पीछे छूट जाती है, जैसे कहते हैं एक पत्थर अगर हमारे पैर में आ जाए हम गिर जाते हैं, बट लोग गिरने को नेगेटिव समझते हैं, मैं मानता हूँ गिरना 2 कदम ज्यादा आगे ले जाता है। तो आपको अगर इस एक्टिंग लाइन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आप एक थिएटर ज्वाइन कर सकते हैं, थिएटर मैंने भी किया है, और थिएटर ज्वाइन करने के बाद आप उसमें नुक्कड़ नाटक, जैसे मैंने बहुत सारे नुक्कड़ नाटक किए हैं फरीदाबाद, दिल्ली, NCR में, अपने अपने एरियाज मोहल्लास में, और उसके बाद हम फिर प्ले करते हैं, फिर प्ले करने के बाद फिर हम लोग नाटक जब करते हैं थिएटर में, उसके बाद धीरे धीरे बॉम्बे की शुरुआत होती है। तो एक बहुत लंबा सफर रहा है, तो एक वीडियो में तो हम नहीं इसको शेयर कर पाएंगे, धीरे 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 बताते जाएंगे, बट ये है जिनको एक्टिंग करनी है सबसे पहले वो थिएटर करें और अपनी पढ़ाई जरूर कंप्लीट करें, पढ़ाई के बीच में बिल्कुल ना करें। ओके, तो मैंने भी बहुत ही पहले लाइक मैंने भी सोचा था, जब मेरी स्टडीज चलती थी लाइक 9th या 10th में, मैंने सोचा था मुझे एक्टर बनना है, तो थोड़ा सा ध्यान मेरा चले गया था पढ़ाई के बाहर, लेकिन फिर मुझे लाइक हमारे वीरेंद्र सर है एक, तो उन्होंने मुझे बताया था कि लाइक स्टडी सबसे पहले कंप्लीट कर लो, उसके बाद पूरी लाइफ पड़ी आपके पास एक्टिंग करने के लिए, तो मैंने स्टडी पे फोकस किया था एंड 10th में मेरे बहुत ही अच्छे परसेंटेज आए थे।
नहीं वो अभी तक मैंने रिवील नहीं किया, वो मेरे चैनल पे आप लोगों को देखने मिलेगा, मुझे भी फॉलो कर लो। ओके सो अब चलते हैं नेक्स्ट चीज पे। वैसे तो आपने बहुत सारे लोगों के साथ लाइक इंडस्ट्री में काम किया है, ठीक है, बहुत सारे लोगों के साथ, तो उसमें से आपको कौन लाइक अब तक का सबसे बेस्ट लगा है कि हाँ उनसे व्यवहार भी अच्छा है, एक्टिंग भी अच्छी करती है, वो करती है करते हैं कोई भी, हाँ, जो भी मेल फीमेल। yes. और मैं अगर नाम लूं तो एक्टर तो सारे अच्छे हैं जिनके साथ मैंने काम किया है अब तक, अभी तो मैंने बहुत कम लोगों के साथ काम किया है लेकिन और भी करूंगा आप सबके प्यार आशीर्वाद से, बट जितने लोगों के साथ किया है वो सारे बहुत ही अच्छे मिले। हाँ उनमें से मैं फर्स्ट टाइम जिनके साथ मैंने काम किया था मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, मिस्टर अखिलेन मिश्रा जी, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, मजे हुए एक्टर हैं, बड़े सीनियर। जब उनको मैंने सामने से देखा तो शायद मुझे थोड़ा सा लगा था डर सा कि अरे इनके आगे करना है, इनको हमने टीवी में देखा है, बड़ी बड़ी मूछें, जो यक्कू थे अपना पुराने सीरियल में, यक्कू आप सब समझ गए होंगे, ऑडियंस समझ गई होगी, आप तो काफी छोटे हैं, बहुत सीनियर हैं। तो जब उन्होंने मेरा काम देखा तो उन्होंने बहुत प्यार से बात की, उन्होंने मुझे आगे उत्साहित किया कि आगे तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। तो अखिलेन मिश्रा जी का बहुत अच्छा एक नेचर रहा जिससे मुझे एक बूस्टर मिला और मुझे एक शक्ति मिली कि मैं उनके साथ एक अच्छा एक्टर हूँ। ओके सो एक और क्वेश्चन है, आप अपने आप को लाइक मोटिवेट करने के लिए, अभी देखो जैसे कि जो यंगस्टर्स है जो 18 साल के 19 साल के, ठीक है, बहुत लोग ना डिप्रेशन में रहते हैं मार्क्स को लेके, गेम्स, गर्लफ्रेंड, ये वो ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। सो आप अपने आप को लाइक मोटिवेट करने के लिए क्या करते हो? मैं मोटिवेट करने के लिए सबसे पहले तो किताबें पढ़ता हूँ, कुछ लोगों की जीवनी पढ़ता हूँ जिन्होंने इतना संघर्ष किया है किसी भी चीज में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी लाइफ में, और उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अकेला ना रहूं। अगर आपको मोटिवेट होना है आप जरूर कोशिश करें कि आप अकेले ना रहें, क्योंकि अकेले में इंसान मोटिवेट बहुत कम होता है। आप एक अच्छे माहौल में चले जाएं जहां हंसता हुआ माहौल हो, वहां बैठे उनको लोगों के साथ हो, एक अपने सीनियर में मोटिवेट होने के लिए हमेशा अपने बराबर से दोस्ती करता हूं, छोटों से भी करता हूं, मैं बड़ों से सबसे ज्यादा दोस्ती करता हूं, जो मेरे से काफी बड़े एज में होते हैं तो वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, कभी मैं परेशान होता हूं तो उनको कॉल कर देता हूं, कॉल करने के बाद थोड़ा सा वो मुझे बताते हैं अपना एक्सपीरियंस, जो तजुर्बा कहते हैं ना एक दिन का भी ज्यादा वो बड़ा होता है, इस तरह से मैं अपने आप को मोटिवेट कर देता हूं। बिखेर बिखेर दिए सोहित भाई की लाइफ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, सो मैं चाहता हूँ कि इसके बाद वाली जितने भी वीडियोस आए वो आप लोग देखो, ठीक है, इनके बारे में, ये अपने लाइफ के बारे में बहुत सारी चीजें बताएंगे डे टू डे, ठीक है, और वीडियोस तो रेगुलर पोस्ट करेंगे अपने सोशल मीडिया हैंडल पे, सो जैसे कि लाइक भाई को आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो एंड फेसबुक पे फॉलो करते हो, इतना प्यार देते हो, सो आई होप कि आप लोग यूट्यूब पे भी उतना प्यार करो एंड आप भी कुछ बोलो। मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और अब तक आप लोगों ने जितने लोग देख रहे होंगे सोच रहे होंगे कि मेहमान कौन है, हाँ तो ये खुद भी रहा है, मैं लगा पड़ा हूँ खाने पीने में, मैं ऐसा ही हूँ मस्त इंसान हूँ क्योंकि मैं कॉमेडी करता हूँ, आपने मुझे तेनालीरामा में देखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो तेनालीरामा से याद आया मुझे, आप ना चलो एक एक एक्ट करना है आपको, एक कॉमेडी सा एक्ट या फिर कॉमेडी सा डायलॉग कैमरे के सामने ऑन द स्पॉट, ठीक है, चलो। गुरु जी अब आपका ये मनी चारे जो है ये YouTube चैनल पे भी हिट होने वाला है क्योंकि हमको मिल गए हमारे प्यारे प्यारे दर्शक जो मुझे प्यार करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे। गुरुजी अब जाइए, अब तेनालीरामा कीजिए, मैं तो अपना काम इस पे चैनल पे भाई के साथ करूंगा, गुफू दान सारी के साथ करूंगा जो मेरे बहुत ही खास ब्रो हैं। वाह 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 क्या बात है, ऑन द स्पॉट यार आपने डायरेक्ट कर दिया, यही होती है एक लाइक एक जो रियल एक्टर होता है उनको लाइक कोई ये नहीं चाहिए कि हाँ थोड़ा प्रैक्टिस करना है, ये ऑन द स्पॉट बोल दिया तो डायरेक्टली भाई ने कर दिया डायलॉग भी खुद से, विच इज क्वाइट गुड, बहुत ही अच्छी बात है। सो बहुत ही अच्छा लगा सोहित भाई, आपकी कॉफी के लिए थैंक यू सो मच, आपके ब्रेड के लिए, पीनट बटर के लिए, सब चीजों के लिए थैंक यू, पेमेंट कर देना। ओ माय गॉड, पेमेंट हम जरूर करेंगे, ये दिल से पेमेंट की जाएगी, ये दिल वाला दिल पे है, तो अब दिल पे करने के लिए, हार्ट पे करने के लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों को एक बेल आइकन दिखेगी बाजू में, बेल आइकन पे प्रेस करना होगा, बस इजी है। अच्छा जैसा कि मैं बता दूं इस चैनल पे बहुत ही मतलब आपने हमेशा चैनल देखा होगा कुछ एक टॉपिक को लेके काम करते हैं, मेरा एक फर्स्ट ऐसा चैनल होगा जिसपे हर तरह की चीज मिलेगा, इंटरव्यू मिलेगा, कॉमेडी मिलेगा और ड्रामा, मतलब एक नेचुरल चीजें जुड़ी हुई मिलेंगी, जैसे अभी आपने देखा मैं खा पी रहा हूँ, हाथ में ये लगा हुआ है, कोई टेंशन नहीं,
क्योंकि हमें चाहिए रियलिस्टिक। yes. ये रियलिस्टिक यूट्यूब चैनल है और ये भाई की वजह से है आज जो भी कुछ है। नहीं, लेकिन 1.5 लाख लोग इसको जो देख रहे हैं, जो है वो सोहिंदर खुद कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उनको कोई भी यूट्यूबर लाइक यूट्यूब पे आना है तो बहुत इजी बात नहीं है। उन्होंने वो स्टेप उठाया, हम लोग लाइक मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं, वो बहुत ही लाइक कम लोग ही करते हैं। बहुत सारे लोग लाइक आलसी होते हैं, बहुत ये नींद आ रही नहीं करेंगे वो ऐसा नहीं है। सोहिंद भाई लाइक कैसे है, बहुत ही एनर्जेटिक है, इनको अभी बोलते ये बनाना है तो डायरेक्ट रेडी हो जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ये मुझे बहुत ही पॉजिटिव चीज लगी जो कि मुझे इनसे सीखना चाहिए, तो यस मैं भी सीखा। बाकी आप लोग लाइक ये चैनल पे आप लोगों को जैसे कि भाई ने बताया कि सारी चीजें देखने मिलेंगी, एंटरटेनमेंट व्लॉग्स, मस्ती वाले वीडियोस, बाहर के ट्रैवल व्लॉग्स, चैलेंजिंग वीडियोस, इंटरव्यू, ऐसे बहुत सारे अमेजिंग लाइक कॉन्सेप्ट आप लोगों को देखने मिलेंगे। सो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड अगर यहाँ तक वीडियो अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है। सो आई थिंक अब ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो हमें ये वीडियो को यहीं पे एंड कर देना चाहिए। अगली वीडियो के लिए भी कुछ रखना बिल्कुल है। बिल्कुल क्योंकि देखो इस पे लड़कियां भी मिलेंगी आपको, टेंशन ना ले, जो बॉयज है ना वो लड़कियां हॉट हॉट लड़कियां लेकर आएंगे बिल्कुल 75 किलो की, आप चिंता ना करें। कहीं भाई की गर्लफ्रेंड आएंगी, मेरी भी आएंगी, सब आएगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं वैसे एंकर रह चुका हूं तो एक टास्क मैं जरूर करवाता हूं, मैं देखता हूं कि हमारे गुफुदा राइडर के अंसारी भाई करते हैं या नहीं करते हैं। मैं गेम कराता था तो एक टंग ट्विटर है बहुत ही प्यारा सा, उसे आपको रिपीट करना है 12 टाइम, ठीक है 10 से 12 टाइम करते हैं, इनको डिस्काउंट दे देते हैं थोड़ा सा, आजकल मार्केट में डिस्काउंट बहुत चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग भी देखिए और कर सकते हैं मेरे साथ साथ। हाँ, सबसे पहले मैं आराम से बोलूंगा, जिस ताले की चाबी है उस चाबी का ताला है। मैं 10 टाइम फास्ट बोल के दिखाता हूं, जिस ताले की चाबी और चाबी का ताला है, जिस ताले की चाबी और चाबी का ताला है, जिस ताले की चाबी है और चाबी का ताला है, जिस ताले की चाबी और चाबी का ताला है, जिस ताले की चाबी और चाबी का ताला है, जिस ताले की चाबी और चाबी का ताला है, जिस ताले की चाबी और चाबी का ताला है, जिस ताले की चाबी और चाबी का ताला है, जिस ताले की चाबी और चाबी का ताला है, जिस ताले की चाबी और चाबी का ताला है, जिस ताले की चाबी है उस चाबी का ताला है। 10 टाइम आप भी रिपीट कीजिए, आप भी रिपीट कीजिए। जिस ताले की चाबी है वो ताले का चाबा है। बेड़ा खत्म, फिनिश, खत्म हो चुका बिल्कुल, छोड़ो खाओ ये, एक बार और ट्राई कर लो। चलो, जिस ताले की चाबी है उस चाबी का ताला है। गुड, जिस ताले की चाबी है उस ताले का चाबी है। चाबी ये तो आपने चाबी ताला एक ही कर दिया, हालांकि एक में होता है पर तरीके से नहीं हुआ। अगर आप बोल सकते हैं जिस ताले की चाबी है उस चाबी का ताला है 10 टाइम तो आप वीडियो बनाए और मुझे टैग करें। yes. और इनको भी कर सकेंगे, हम दोनों को करेंगे तो हम लोग उसको शेयर कर देंगे। ओके, सो ये वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय बाय बाय, थैंक यू।